हेलो एवरीवन, आज है मेरा गोवा का डे टू। तो सुबह सुबह हम लोग रेडी हो चुके हैं, मतलब सेमी रेडी हो चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। हमेशा की तरह मुझे छोड़ के आनी आगे आगे जा रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो हम चले ब्रेकफास्ट करने। अनी को यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा किटी मिल गया था। मैंने लिया था ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड बटर एंड एक प्लेन सा ऑमलेट विथ चाय एंड एक ब्राउनी भी था, और अनी ने सिर्फ चाय ही लिया था। यहाँ पे बफे सिस्टम है, बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर मुझे सुबह सुबह लाइट ही खाना था, ज़्यादा हेवी नहीं। हेलो, तो फाइनली ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ चुके हैं, और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने क्या क्या लिया था ब्रेकफास्ट पर। बिल देख के तो सर चकरा गया, इतने से चीज़ का क्या खाया था मैंने, दो ब्रेड विद बटर, चाय, एक ब्राउनी था और एक प्लेन ऑमलेट था। अब तो मुझे लगता है कि मुझे मतलब वहाँ पे कुछ था चीज़ ब्ला 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 वाला ऑमलेट, मुझे वही सब लेना चाहिए था, क्योंकि उतने में ही हमारा बिल बन गया था 590। या उतने के लिए हमने 590 पे किया। जब पे किया ना तब लग रहा था कि यार कुछ और खा लेती मैं, पर इतनी सुबह सुबह कुछ खाया नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सिंपल रखा था। चूना लग गया। तो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम पे, फिर रेडी होके निकलना है हमें। अनी जा रहे अपने काम के लिए, मैं सोची थी कि इधर उधर ही कुछ घूमूंगी, फिर अब सोचूंगी उसके साथ ही चली जाती हूँ, वहीं से आसपास के ही थोड़ा सैर सपाटा कर लूँगी। तो रेडी होने के बाद मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग रेडी होके निकलते हैं अनी के कॉन्फ्रेंस की तरफ। हेलो, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी वेडी होके निकल चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अनी के ऑफिस, या फिर बोल सकते हो जहाँ पे कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे। तो देखते हैं, ये तो चला जाएगा, मैं क्या करने वाली हूँ नहीं पता मुझे, मैं बहुत ज़्यादा बोर होने वाली हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। लेट्स सी वहाँ पे जाके क्या होता है।
अनिके वहाँ पे जब गई तो उसका कॉन्फ्रेंस ज़्यादा देर का नहीं था, बहुत जल्दी निपट गया। फिर हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम लोग घूमने चलें। तो चंदू और बाकी लोग तो कहीं और चले गए थे घूमने के लिए, और मैं और अनि चले आए थे अंजुना बीच। गोवा आने से पहले ही मैंने इस जगह के बारे में सर्च किया था और मुझे इस बीच में आना ही था। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पे थे, फोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए, बैठे काफ़ी देर तक। बीच में और हमें यहाँ पे ये क्यूट सी दो लड़कियाँ दिखी जो ये सब ऊल जो होता है वो ये लोग लगा के दे रहे थे बालों में। ये बहुत ट्रेंडिंग है गोवा में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक लगा लेती हूँ। एक स्ट्राइप्स का ये लोग 150 चार्ज कर रहे थे। दोनों ने काफी बार्गेनिंग करने के बाद मैंने 100 पे लगा ही लिया फाइनली। लगता है ना, वो भी नहीं लगेगा। बारिश हो रही है वो। ये दोनों छुटकी हमें अभी मार्केट का रास्ता दिखा रहे हैं, कापे मार्केट। और फिर इन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया अंजुना फ्ली मार्केट का। ये मार्केट बीच के ठीक ऑपोजिट में ही है। बारिश की वजह से सिर्फ गिने चुने 2-3 शॉप्स ही खुले थे, अदरवाइज सीजन टाइम पे अगर आप यहाँ पे जाओगे तो बहुत बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स और फैमिली के लिए छोटी छोटी चीजें उठा ली है, जो आपको मेरे गोवा हॉल वीडियो में देखने को मिलेगा मेरे अपकमिंग वीडियोज में। सो स्टे ट्यून्ड इन माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यहाँ से अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको काफी सारे बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट बैंड्स मिल रहे थे, ब्रेसलेट्स थे, एंकलेट, नेकलेस, बैग्स, तो मैं क्या ही बोलूँ, हैंडमेड बैग्स बहुत सुंदर थे। काफी सारे विंड चेन्स थे, छोटे बड़े हर साइज में आपको मिल जाएगा। बहुत सुंदर कलेक्शन है, कपड़ों का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे जो कि बीच वेयर के लिए परफेक्ट कपड़े हैं।
बीच में हम लोग रास्ते में रुके थे, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था और यहाँ पे जाके हमने कोक लिया और बिरयानी ली। यहाँ का वीडियो ठीक से नहीं ले पाई थी जो कि मैंने घर ही आके चेक किया, मुझे लगा था कि मैंने ठीक से ले लिया था। तो शाम को पहुँच के हम लोग रेस्ट कर ही रहे थे, अचानक हमने देखा हमारे रूम के ऊपर आवाजें हो रही थी छत पे। तो जैसे ही मैं बालकनी में आई तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा झुंड था बंदरों का, जो कि एक छत से दूसरी छत पे कूद के जा रहे थे। काफ़ी देर तक वो लोग वहीं पे बैठे थे, मैं भी थोड़ी देर वहाँ पे रुकी और फिर अंदर आके सो गई। डिनर में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और वही खा के हमें गुजारा करना पड़ा, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया था हमने। हेलो एवरीवन, तो आज का मेरा गोवा का डे टू था और दिन काफ़ी मज़ेदार था। जहाँ पे मुझे लगा था कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बोरिंग सा होने वाला है आज का दिन, लकीली आज अनी के कॉन्फ्रेंस के उधर ज़्यादा कुछ था नहीं और जल्दी सब कंप्लीट हो गया, इसलिए हम घूमने भी जा सके थे। शाम को हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग वही सेम जगह जोइट्स पे जाएंगे जहाँ पे कल हम लोग गए थे डिनर के लिए, पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा, और कल जो इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ था हम लोगों का, आते वक्त कोई भी कैब नहीं मिला था, तो हम लोगों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया है और हमने सोचा कि रूम पे ही खाना खा लेते हैं। तो हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा और हम लोगों ने वही खाया कोक के साथ और सो गए चिल मार के। So this was my day. I hope you guys liked the video. Please do not forget to like, share and subscribe my channel. And see you guys in my next Goa vlog video. So stay tuned in my channel. Till then, bye bye.